हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए रोचक तथ्यों के बारे में सबसे पहले अपडेट मिले। दोस्तों, आप सबको तो पता ही है कि कोरोना महामारी अपना कहर कैसे दिखा रही है। जाने कितने ही लोगों की मौत हो चुकी है और अभी कितने ही लोग संक्रमित हैं। कोरोना के बाद अब एक और नई बीमारी इस वक्त डराने लगी है। कई राज्यों में तो इस बीमारी को महामारी तक घोषित कर दिया गया है। इस बीमारी का नाम ब्लैक फंगस है। देश में ब्लैक फंगस को चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। यहीं दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का दुर्लभ मामला सामने आया है। इस केस में मरीज पर की गई बायोप्सी में ब्लैक फंगस का संक्रमण छोटी आंत में देखा गया। गंगाराम अस्पताल में 56 और 68 वर्ष के दो मरीज की छोटी आंतों में ये संक्रमण पाया गया है। ब्लैक फंगस के ये दोनों मरीज कोरोना संक्रमित रह चुके हैं। बायोप्सी से इन मरीजों की छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। हाल ही में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह खास तौर पर कोरोना से रिकवर हो रहे लोगों को चपेट में ले रहा है। डायबिटीज मरीजों को यह इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा है। यह इन्फेक्शन शरीर के अलग अलग अंगों में हो रहा है, नाक, कान, फेफड़े, मस्तिष्क और पाचन संबंधित अंग। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार चौकन्नी हो गई है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि ब्लैक फंगस से उत्पन्न होने वाले रोग म्यूकरमाइकोसिस के उपचार में काम आने वाली दवा एन्फोटेरिसिन बी के उत्पादन के लिए 5 और कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है। वे जुलाई से हर महीने इस दवा की 111,000 शीशियों का उत्पादन शुरू करेंगी। MSN लेबोरेटरीज ने शुक्रवार को ब्लैक फंगस मरीजों के इलाज में उपयोगी पोसाकोनाजोल पेश किया है जाने की घोषणा की है। यह दवा फफूंदी नाशक ट्राइकोनाजोल जेल श्रेणी में आती है।